मोहब्बत या इस बदनामी से डरने के चक्कर में टेस्ट नहीं कराते. टेस्ट इज अ लॉजिकल थिंग दैट वन शुड डू. व्हाट डू यू से? लॉजिकल भी है, और दूसरी चीज है आप किसी को धोखा ना दें। धोखा ना दें. अगर कुछ है तो बस बता दें. अगर कोई आप किसी का आपको एक्सेप्ट करना है तो वैसे भी एक्सेप्ट करेगा, नहीं करना है तो आप में अगर हीरे भी झड़े होंगे तो भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा जिंदगी भर. तो इस बात का जरूर ख्याल रखें. अच्छा जी, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ब्रेक से हम वापस आएंगे. एक बात बताओ, याया साहब और अलियास साहब को बड़ा मिस कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं आई? आ जाएगी, टेंशन ना ले आप. जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, हम जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो हम 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल की एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज अभी इसी वक्त करेंगे. सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज. वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज. भी बताया, मुझे खड़ा देख के आप सब सरप्राइज हो गए होंगे, लेकिन हम आपको 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल अभी बताने वाले हैं कि अपनी जिंदगी में अगर आपको कोई भी गोल सेट करना है तो उसके अंदर क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. जी, अब आपकी पहली चीज ये इसलिए हम करते हैं कि कभी भी आप गोल को हासिल करने के बाद पछतावा ना हो, ठीक है, या आपकी जात के आपके गोल की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे अतराफ में, राइट? इसलिए अलाइनमेंट करते हैं. जल्दी मेरा भी गोल. अच्छा, तुम अपने गोल के बारे में सोचो, क्या गोल है तुम्हारा? मेरा गोल है कि 2013 के एंड में आई शुड गेट प्रॉपरली सेटल्ड. यानी बिल्कुल अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन में सेटल हो जाओ. ओके, अब जब ये सोचती हो तो तुम्हारी फीलिंग्स हैं इसमें? आर यू एक्साइटेड? यस. आर यू एक्साइटेड? ओके, वेरी एक्साइटेड. डू यू हैव समथिंग पर्टिकुलर इन माइंड? यस. अच्छा, गोल विजुअली तुम कर सकती हो कि विजुअली वो गोल, जैसे फॉर एग्जांपल ये ना हो कि मुझे दौलत चाहिए, वो गोल नहीं हो, गोल ये होना चाहिए. यस, आई कैन विजुअलाइज माय सेल्फ इनटू अ वैलेंटिनो का गाउन. Having my Ferrari parked at the back, walking on a red carpet. Few things I'm not discussing, but yes, I can visualize. बता सिर्फ यार हूँ कि गोल कभी भी वेग ना हो. नहीं, वेग नहीं, मेरा बहुत पर्टिकुलर. मैं नाज़रीन को समझा रहा हूँ, ये मत कहें कि दौलत चाहिए, ये कहें कि मेरी जॉब अच्छी हो, मेरे कारोबार हो, मेरा बहुत बड़ा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए. क्योंकि मुझे मेरा जो गोल है, इट्स जो भी गोल है मेरा, वो मैं आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रही, लेकिन फॉर एग्जांपल वैलेंटाइन का गाउन, ठीक है, इफ आई विल बी सो रिच, आई विल बी एबल टू अफोर्ड दैट गाउन, वेयरिंग इट ऑन. अच्छा जी, तो अब आप अलाइनमेंट करेंगी ये 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स का, ताकि कभी आपकी जात में आपके गोल के साथ तजाद ना हो और आपको जो चीज हासिल करनी है उससे किसी और को नुकसान ना पहुंचे. ठीक है, डन. पहला क्या है? इस टाइमलाइन, व्हेन, वेयर, विथ होम. अच्छा, ये पहला आपका होता है. इस तरह बाकायदा आप शीट जमीन पर रखेंगी और इसके साथ खड़ी होकर सोचेंगी कि टाइमलाइन क्या है. तुमने टाइमलाइन बना दी 2013 के एंड तक, ये तुम्हारी टाइमलाइन है, ठीक है. वेयर, व्हेन हो गया मेरा, व्हेन हो गया, वेयर, विथ होम. Where not, yeah, it's outside Pakistan. It's outside Pakistan, huh. With whom? Yes, जो भी होगा, ठीक है. Are you sure? 120%. अच्छा, आंखें बंद करके इसको एक्सेप्ट कराओ अपने आप को. अब एक्सेप्ट कर लो तो आंखें खोलने, जब तुम एक्सेप्ट करो तो आंखें खोलने के बाद अब आप सेकंड लेवल पे आओ, ठीक है. आगे नाउ, सेकंड लेवल क्या चीज है? बिहेवियर, बर्ताव, जिसको कहते हैं अमूमन, जैसे रात को लेट से लेट सोना, सुबह लेट उठना या जल्दी उठना, अच्छे बुरे दोनों बिहेवियर होते हैं. Now, जो तुम्हारा गोल है, क्या उस गोल के लिए तुम्हारे पास राइट काइंड ऑफ बिहेवियर है या तुम्हारे बिहेवियर गोल के खिलाफ जाएंगे? खिलाफ जाएंगे. तुम्हें याद करो ऐसे दो चार behavior. लेकिन एक मिनट, आई थिंक मेरा व्हेन इज नॉट 2013. ओके, तो फिर पीछे जाओ. ओके, अगर 2013 तक नहीं हो सकता तो यहाँ चेंज करो व्हेन को. मतलब 13 से 14 के बीच में. चलो 13 to 14. Yes. अब आगे आओ, ठीक है. अब अपने दो चार बिहेवियर जो कि नेगेटिव है, जो कि तुम्हें गोल से दूर ले जाएंगे, उसके बारे में सोचो. ओके. सोच लिया? Yes. उनको चेंज करना है तुम्हें. Yes. तब्दील करना है. हाँ. मतलब मिसाल के तौर पे आप पढ़ते नहीं हो तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे? मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल, यू ऑलवेज वांट टू लुक गुड, राइट? फिजिकली, बट यू नो, प्लीजिंग पीपल. तो यू हैव टू चेंज दैट बिहेवियर, बिकॉज उसमें तुम मिस्टेक करोगी. Yes. ठीक है, अब तुमने देख लिया कि कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो तुम्हें चेंज करने होंगे. Yes. अच्छा, तुम्हें कुछ पॉजिटिव बिहेवियर भी तुम्हारे अंदर हैं? बहुत सारे. ठीक है, अब आगे बढ़ोगी और जो बिहेवियर तुमने चेंज करने हैं, जो कि तुम्हारे गोल की तरफ नहीं ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, आगे बढ़ो नेक्स्ट के ऊपर सोच के. यस, लेट मी थिंक ऑफ द बैड बिहेवियर्स दैट मे हर्डल. ओके, ठीक है, अब आंखें खोलकर आ गया. ओके, दैट्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज. अब रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज से मुराद ये कि आपके पास आप में फेथ है, नहीं है तो फिर क्या करोगे? नंबर टू,
उस गोल को हासिल करने के लिए क्या आपके पास रिसोर्स है? मिसाल के तौर पर मुझे अमेरिका जाना है और मेरी जेब में टका नहीं है तो टिकट कहां से आएगा? इसका मतलब रिसोर्स मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन कैपेबिलिटीज नहीं है। बाज मर्तबा आपके पास रिसोर्स नहीं होता मगर आपके पास सलाहियत होती है जिससे आप रिसोर्स पैदा कर लेते हो। ठीक, लेकिन मेरे पास कैपेबिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज से भी कैपेबिलिटी पैदा होती है और वो होती है ट्रेनिंग। ठीक, कि आपके पास पैसा है, आप डॉक्टर बने, आपके अंदर सलाहियत आ गई नॉलेज की, तो रिसोर्स की वजह से सलाहियत आप में आई और कई दफा सलाहियत की वजह से आप डॉक्टर बन गए। अब आपने माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो गई, आपके पास रोज रिसोर्सेज आ गए, तो अभी अच्छी तरह सोच लो कि तुम रिसोर्सेज से क्या कैपेबिलिटीज तुमने अंदर पैदा करनी है जिससे तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो। रिसोर्सेज के थ्रू मुझे अपने अंदर, ओके ठीक है, डन हो जाएगी। आंखें बंद करके अब्सॉर्ब करो इसको अच्छी तरह। एंड व्हेन यू आर रेडी, देखें नाजरीन ने ख्याल रखें, जब आप रेडी हो तभी आप स्टेप आगे लेंगे। हम तो सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं, अंटिल ने से रेडी डोंट, कई दफा ये 6-8 घंटे लगते हैं इसमें। ठीक है, आई एम रेडी, चले आगे बढ़ो। ओके नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव्स एंड वैल्यूज। वैल्यूज इकदार को कहते हैं, बिलीफ हमारे अकीदे को कहते हैं, राइट। अब आप देखें कि आपके पास क्या वो बिलीफ और वैल्यूज हैं जो कि आपके गोल के साथ अलाइन करती है या आपकी वो वैल्यूज ही नहीं है, वो बिलीव्स ही नहीं। फॉर एग्जांपल, एक बिलीफ ये कि आई डोंट डिजर्व इट, मैं इस काबिल ही नहीं कि मैं ये गोल अचीव करूं, तो ये गलत बिलीफ है आपके पास। तो यहां आपने सर्च करना होगा कि क्या आपके पास बिलीव है, सेकेंडली आपके पास वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी को वैल्यू देते, हाउ आर यू गोइंग टू एक्वायर दोस बिलीव्स? आई नीड मोर एप्रिसिएशन टू हैव, गो बैक। ओके, is it possible ke through resources you develop the capability by which you don't require people to appreciate you? I by resources I can lose more weight and maybe people will appreciate me more. Good, come back. So once you lose more weight you will start trusting yourself to some extent, you will start apne aap ko believe karna shuru karogi. Yeah, I'll have a belief that I will not be, you know, refused. Kya tumhe belief hai ki tumhare mein confidence aa jayega zyada, ya hai abhi? Yeah, अभी जितना है उससे ज्यादा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये तुम्हारे गोल को हासिल करने में बहुत मदद करेगा। आंखें बंद करके बिलीफ और वैल्यूज को अलाइन करो। ओके, डन। अब आप आगे आइए। इकोलॉजी, व्हाट्स इकोलॉजी? नाउ इकोलॉजी और आइडेंटिटी, पहले हम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है आप कौन है, ठीक है, आपका मिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंटेंट है, आप डॉक्टर है, आप हाउसवाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप पायलट है, आप क्या है? अच्छा, या आप ऑर्गेनाइजेशन का, अगर एक कंपनी में करवाया जाता है तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या आप ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी आपकी अलग है। कई दफा आप एक कंपनी में काम करते हैं मगर आपके विचार और हैं, कंपनी के विचार को और हैं। मतलब आपके ख्याल आते हैं, ख्याल है, विचार, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इकोलॉजी अगेन आपकी सराउंडिंग, जिस जगह आप काम करते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, आपके वालिदैन, भाई बहन, तमाम रिश्तेदार और आपका मोहल्ला, शहर, मुल्क, ये तमाम इकोलॉजी में आता है। तो अब ये देखना है कि जो गोल मैं हासिल करने के लिए जा रहे हूँ क्या इसकी वजह से मेरी आइडेंटिटी तो नहीं चेंज हो जाएगी कंप्लीटली, and I want that. अच्छा, और इकोलॉजी, इकोलॉजी को नुकसान तो नहीं होगा, वालिदैन को, मुझे नुकसान तो नहीं होगा, मुझे दुख तो नहीं होगा, अतराफ में लोगों को तो नहीं हो जाएगा। मैं बताती हूँ, as far as identity is concerned, I want it to be changed. ठीक है, and as far as ecology is concerned, my goal, in my goal, maybe I'll be able to do it better for the people. तो इसका मतलब है कि तुम्हारा गोल जब तुम्हें मिल जाएगा तो जो अतराफ में लोग हैं उनको ज्यादा फायदा तुम्हारी जात से, इस गोल की वजह से। और मेरी आइडेंटिटी चेंज होने से मेरा मकसद है कि मेरी आइडेंटिटी और बेहतर हो जाएगी। इट वुड बी अ लिटिल चेंज। सपोज करे एक शख्स जो है वो चमड़े की टैनरी लगाता है, ठीक है, अब लेदर टैनरी में जो केमिकल यूज होता है वो जब निकलता है पानी में तो वो नदी नाले के पानी को जहर कर देता है, तो वो इकोलॉजी को बर्बाद करता है और लोगों को तकलीफ होती है। तो गोल इकोलॉजी को खराब ना करे और आइडेंटिटी आपकी बरकरार रहेगी। There is no nothing wrong. बुरी बात नहीं कि identity change नहीं हो, identity change जो कोई बात नहीं, right? But you want कि identity तुम्हारी enhance हो जाए, बढ़ जाए, change से बाय, चलिए सोच लो पहले, for this it's good, ecology is good, yeah. आंखें अपने अंदर emotionally absorb करो इसको. I'm good. I've thought about the ecology. आखिरी और most important spirituality. Now spirituality मगरिब में नाज़रीन कहते हैं हम अपने मुल्क में, चूंकि हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, हमारे लिए रूहानियत से मुरादी है रब के ताल्लुक और रब के अहकाम। क्या ये गोल जो है, क्या ये रब के कोई हुक्म के खिलाफ तो नहीं होगा, शरीयत के खिलाफ तो नहीं होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के खिलाफ तो नहीं होगा? और क्या इस गोल को हासिल करने से रूहानी तौर पर क्या आप
अच्छे इंसान बनेंगे, बेहतर बनेंगे, अल्लाह से ज्यादा करीब होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो एलिमेंट है जिसको लास्ट 10 साल में मगरिब ने इंट्रोड्यूस कराया है, बिकॉज उन्होंने देखा कि गोल तो वो हासिल कर लेते हैं मगर जिंदगी में खला या वैक्यूम रहता है, इस वैक्यूम की वजह से वो गोल की कोई अहमियत नहीं रहती। इसको अच्छी तरह सोचो, इट मे गेट मी बैक टू अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई डोंट डू राइट नाउ। ठीक है, अच्छा सोचो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, और मुझे बहुत ज्यादा रिलीजियसली मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, यानी रिलीजियस जो तुम्हारा एस्पेक्ट है, तुम्हारा बीइंग है रिलीजियस, वो मजबूत होगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मजबूत हो जाएगा, कनेक्शन तुम्हारा ज्यादा अल्लाह के साथ होगा, कनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा रिलीजियस, मेरा रिलीजियस जो कहीं पे अगर मैं कहीं लैक करती हूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एंड पार्ट ऑफ दैट आई विल बी मोर कामर एंड गिवर। और मेरे ख्याल में गोल अचीव करने के बाद रिलीजियसली यू विल बी एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टर्न टुवर्ड्स रिलीजन, अल्लाह से रिश्ता ज्यादा बेहतर बनाए। यस, आई विल बी मोर क्लियर इन माय हेड अबाउट What exactly spirituality means to me? ठीक है, इसको पहले अच्छी तरह absorb कर लो। Okay, okay, done. Now, अब वापस जाओ first पे। Okay. और अब यहाँ quickly देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आओ कि कोई चीज रह तो नहीं गई, स्पिरिचुअलिटी को जहन में रखते हुए अब। Okay. ठीक है। बिहेवियर कुछ चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये डिसाइड हो गया। ठीक है, अब रिसोर्सेज है, उससे कैपेबिलिटीज अपने अंदर पैदा करोगी और उससे बिहेवियर को चेंज करोगी। ओके, ठीक है, अब तुम्हारी बिलीव्स जो है वो कुछ चेंज होंगी बिकॉज तुम्हारे बिहेवियर चेंज होंगे और तुम्हारे रिसोर्सेज से हेल्प होगी तुम्हें। अतराफ में माहौलियात को, इंसानों को, सबको फायदा होगा और तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो और ज्यादा निखरेगी, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी रूहानी तौर पर, रिलीजियसली तौर पर, तुम अल्लाह से ज्यादा करीब होगी और ये गोल तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद देगा। नाउ इसके बाद ये करते हैं, नॉर्मली आप जाके उसको एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, मगर तुम चाहो तो तुम बैठ सकती हो। मेरा गोल मिल गया मुझे। नाज़रीन, ये जो ये हमने करवाया ये बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है और हम रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट भी इस एक्सरसाइज को किया करे जब कभी जिंदगी में गोल हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इससे जरूर गुजरे। मिसाल के तौर पे एक शख्स हज पे जाने की नियत करता है, मिसाल दे रहा हूं, कौन नहीं करेगा मुसलमान के, मैं हज पे ना जाऊं, मगर हज पे जाने से पहले अगर आप ये करें तो आपको हैरत होगी कि अगर आपका किसी से कर्ज आपने लिया है और आपने कर्जा वापस नहीं किया उसको, तो कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे, आप बिलीफ और वैल्यूज पे रुक जाएंगे, आप इकोलॉजी पे, रूहानियत पे आप रुक जाएंगे कि नहीं भाई पहले मुझे कर्जा देना है, जब मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं तमाम कर्ज वगैरह दे दूं, सबके हिस्से दे दूं, उसके बाद मैं फर्ज वाजिब होता है, मुझ पे फर्ज होता है, तब मैं हज पे जाऊं। चूंकि हम ये नहीं करते तो हम बहुत सारी जिंदगी में गोल्स को परस्यू करते हैं, जिसके अंदर गोल तो हम अचीव कर लेते हैं उसमें कोई वजन नहीं होता। सेकेंडली, जिंदगी में कभी तजाद ना हो आपकी जात से, लोग आपके सामने आके नहीं कहेंगे कि इतना बड़ा बंगला मिल गया, इतना बड़ा जॉब मिल गया, इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, उससे मेरी शादी हो गई, मैं कहीं जाके ट्रांसफर हो गया, अमेरिका में वीजा मिल गई, मगर अंदर से बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला होते हैं, वो खुश नहीं होते। तो बेहतर है कि इस प्रोसेस से गुजरें, इस दुआ और उम्मीद के साथ के परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां अता करें, उरूज के गोल पूरे हो और तौफीक दे के अल्लाह ताला मुझे और आपको जो भी हम जिंदगी में गोल सेट करते हैं अगर हमारे हक में बेहतर है तो अल्लाह ताला उसे पूरा कर दे, मगर इस तरह करे कि हमारे जो भी फायदे हमें मिले हम दूसरों को शेयर करें। परवरदिगार आपको बहुत खुश रखे और उरूज को भी बहुत खुश रखे। और आज हमें, मुझे तो मेरा गोल की तय, बस मैं बैठ तो गई गोल पे, अब कब गोल मेरे पे बैठेगा उसका वेट कर रही हूँ, जल्दी से गोल बैठ जाए, मैं बहुत ही कोई मुझे बस हासिल करना है गोल, एंड देयर इज नथिंग बिग इन दिस वर्ल्ड दैट आई कैन यू नो विश फॉर इफ आई गेट दैट गोल। अल्लाह ताला तुम्हारी विश पूरी करे, बस ये है कि तुम्हारी विश से लोगों को भी फायदा हो और उनको जिंदगी बदले, अगर वो जिंदगी बदलेगी तो सबको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान पाइंदाबाद।